हाय गाइस, कैसे हो आप सब। पिछले 3-4 दिन से हमारे एरिया में काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल हो रही है, जिसकी वजह से लाइट भी नहीं आ रही और फ़ोन की बैटरी भी चार्ज नहीं हो पा रही अच्छे से। Xiaomi ने इंडिया के अंदर 2021 का पहला स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम है Mi 10i। और यहाँ पर जो आई लगाया है ना, ये इंडिया के लिए लगाया है। ये वही स्मार्टफोन है जो चाइना के अंदर Redmi Note 9 Pro 5G के नाम से लॉन्च हुआ है। इंडिया के अंदर ये Mi 10i के नाम से लॉन्च किया गया है। इस स्मार्टफोन के अंदर हमें काफ़ी अच्छे स्पैक्स देखने को मिलते हैं, बट स्पैक्स के साथ साथ काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलती हैं। सो इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में बात करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन भी इनेबल कर दो। सबसे पहले प्राइसिंग की बात करेंगे तो Mi 10i का जो 6GB 64GB वाला वेरिएंट है, उसकी प्राइस यहाँ पर रखी गई है 20,999 रुपीज़, यानी 21,000। यहाँ पर जो 6GB 128GB वाला वेरिएंट है, उसकी प्राइस 21,999 रुपीज़, यानी 22,000। एंड जो 8GB 128GB वाला वेरिएंट है, उसकी प्राइस 23,999 रुपीज़, यानी 24,000। अब जो 6GB 64GB वाला वेरिएंट है, ये कोई भी नहीं लेगा, ये लेना बेकार होगा, क्योंकि इसके अंदर हमें हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने को मिलता है। आप मेमोरी को एक्सपेंड नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मान के चलो 6GB 128GB वाला इसका बेस वेरिएंट है, जिसकी प्राइस 22,000 है। तो 22,000 में आपको ये स्मार्टफोन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं। तो इसके अंदर हमें एक IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है, फुल HD प्लस रेजोल्यूशन, 120Hz की रिफ्रेश रेट एंड 240Hz की टच सेंसिंग रेट। सो काफ़ी अच्छा डिस्प्ले है, बट वी नीड ए सुपर एमोलेड डिस्प्ले एट दिस प्राइस। इस प्राइस रेंज में हमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलना चाहिए था। ये एक दिक्कत है स्मार्टफोन की। अगर कैमरा के बारे में बात करें तो इसके अंदर क्वाड कैमरा देखने को मिलता है। प्राइमरी सेंसर 108 मेगापिक्सल का यहाँ पर सैमसंग का HM2 वाला सेंसर का यूज़ किया गया है, काफ़ी अच्छा है। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर देखने को मिलता है, तो ये भी अच्छा है। यहाँ पर 2 मेगापिक्सल का डेप्थ एंड 2 मेगापिक्सल का माइक्रो सेंसर। तो क्या कर रहे हो यार Xiaomi, आपने क्या किया? ये 2 मेगापिक्सल वाले कैमरा किस लिए दिए इस स्मार्टफोन के अंदर? यहाँ पर तो आप एक टेलीफोटो लेंस दे सकते थे। अगर एमोलेड डिस्प्ले नहीं दे रहे तो टेलीफोटो लेंस देना चाहिए था आपको, या फिर ये 2-2 मेगापिक्सल वाले आपको सेंसर नहीं देने चाहिए थे। 5 मेगापिक्सल वाला सेंसर होता तो मैं मान जाता, फिर भी कुछ ना कुछ तो देने की कोशिश की गई है। 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है पंच होल के साथ, तो इसको मैं ठीक ठाक बोलूँगा। परफॉर्मेंस की बात करें तो इसके अंदर स्नैपड्रैगन 750G वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है। Xiaomi इसको कंपेयर कर रही थी सैमसंग M51, OnePlus Nord एंड Vivo V20 Pro के साथ। सैमसंग M51 के अंदर हमें स्नैपड्रैगन 730 वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है, तो उससे तो इसकी परफॉर्मेंस बेटर रहेगी वो बोल रहे थे, बट वहाँ पर 7000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। ये चीज़ Xiaomi ने नहीं कंपेयर की। सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, ये चीज़ भी नहीं कंपेयर। ये एक 5G स्मार्टफोन भी है और इसके अंदर हमें मल्टी बैंड देखने को मिलते हैं 5G के लिए, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। N77 एंड N78 वाले बैंड देखने को मिलते हैं इसके अंदर। इस स्मार्टफोन के साथ हमें गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिलती है, काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये देखकर। 33 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट, 4,820 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। तो मैंने काफ़ी सारी बातें आपको बता दी इस स्मार्टफोन के बारे में, ऐसे पूरे स्पेक्स नहीं बताए जो और यूट्यूबर बताते हैं, बस मैंने कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें आपसे शेयर की। ओपिनियन की बात करें तो अच्छा स्मार्टफोन है, बट आपको बोलूँगा कि आप वेट कर लो। ये सेम स्मार्टफोन हमें Redmi या फिर Poco की ब्रांडिंग के साथ देखने को मिल सकता है कुछ ही टाइम में। प्राइस भी कम होगी और कुछ फीचर्स इसके अंदर अच्छे देखने को मिलेंगे। मेरे अकॉर्डिंग आपको वेट करना चाहिए, बाकी आपकी अपनी भी मर्जी हो सकती है भाई, मैं कुछ नहीं बोल सकता। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। बाय।